हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करता है एक और नई दमदार वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है। इस वीडियो को ध्यान से अपना समय कीमती वक्त निकाल के मेरे प्रियजनों देख लेना। आज हम जवानों के ऊपर बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही अच्छा है। यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपकी ज़िंदगी का सवाल है मेरे प्रियजनों। बाइबल बताती है मनुष्य का एक बार मरना और फिर उसके कामों के अनुसार उसका न्याय करना उचित है। वो आत्मा मरने के बाद धनवान की साइड या तो ब्रह्म की साइड चली जाएगी, देखते देखते बड़े आराम से दो स्थानों पे चली जाएगी। जिस शरीर पे, जिस बॉडी पे आज हमें घमंड है, जिस शरीर पे, जिस बॉडी पे आज हमें घमंड है, वही आत्मा मरने के बाद यीशु के सामने, उसे स्वर्ग सिंहासन के सामने उसको खड़ा कर दिया जाएगा और फिर उसका न्याय किया जाएगा। जिस शरीर में आपने व्यभिचार किया होगा, गलत काम किया होगा, नंगे काम किए होंगे, घिनौने काम किए होंगे, तब उसको हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर वह शरीर बना के न्याय करके नरक की झील में फेंकेगा, जहाँ की आग कभी नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते हैं। मेरे प्रियजनों, आपको पता होगा बाइबल बताती है सबोपदेशक की पुस्तक में 11 अध्याय के 9 वचन में, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिन में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। बाइबल साफ बताती है मेरे प्रियजनों, जीवन और मौत की बातें आपके सामने रखी हुई हैं। जीवन और मौत की बातें आपके सामने रखी हुई हैं। जवानों के विषय में परमेश्वर साफ साफ कह रहा है, अपने आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु जान रख कि परमेश्वर तेरा न्याय करने वाला परमेश्वर है। जो आप पाप करोगे, व्यभिचार करोगे, आंख के द्वारा करोगे, तो याद रखना परमेश्वर आपका न्याय करेगा। पर क्या लिखा, इन सब बातों के विषय में जो आप कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सेक्स वीडियो, लड़की को पटाना, लड़कियों से बात करना, 12-12 बजे उठ के लड़कियों से बात करना, मिलने जाना, गंदे गंदे वीडियोस देखना, गाली गलौज करना, मारपीट करना, दारू शराब गुटखा बीड़ी तम्बाकू खाना, तो याद रखना इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, आपकी ज़िंदगी का सवाल है, आपकी लाइफ आज बदल जाएगी। मेरे प्रियजनों, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, जो भी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा आपकी अच्छाई के लिए, आपकी भलाई के लिए इस वीडियो में बताया जाएगा, कुछ गलत नहीं बताया जाएगा। आपको पता ही होगा इस चैनल पर कोई गलत वीडियो अपलोड नहीं किया जाता है। बाइबल से रिलेटेड, बाइबल से संबंधित इस वीडियो को हमारे वीडियो अपलोड किए जाते हैं ताकि आप पाप से, व्यभिचार से बच जाएं, ताकि आप स्वर्ग जाएं। मेरे प्रियजनों, याद रखना जो पाप करता है अपने देह के ही विरुद्ध पाप करता है। बाइबल में लिखा, अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, ऐसा करने पर दोनों नहीं चारों नहीं पांचों जितने होंगे सब गड्ढे में गिर जाएंगे। मेरे प्रियजनों, यदि हमने हमारे जीवन पाप है, गुप्त रीति से पाप है, छोड़ दो और दुआ करो कि यीशु अभी ना आए, यीशु अभी ना आए। अगर यीशु मसीह आज आ गया, कल आ गया, अचानक आ गया, तो आप जरा सोच के देखो क्या आप स्वर्ग जा पाओगे, क्या परमेश्वर आपको स्वर्ग देगा, क्या आप स्वर्ग चले जाओगे? नो, आप गलत हो, गलत हो, गलत हो। जहाँ पर यीशु मसीह रहता है वह जगह पवित्र है। तुमने जो पाप किए हैं, टीलों में किया है, झाड़ियों में किया है, रूम में पाप किया है, छिप के पाप किया है, अपने पापों को यीशु मसीह के सामने मानो, उन्हें छोड़ो, अंगीकार करो, वरना आपको पता ही होगा आग नहीं बुझेगी, कीड़े कभी नहीं मरेंगे। जरा सोच के देखो, जब आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति नरक में जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। जिस समय आप नरक में होंगे उस समय धर्मी लोग अनंत जीवन में राज करते होंगे, राज करते होंगे। अरे बंद करो खिलवाड़ अपनी जिंदगी से, बंद करो। कब तक नाटकबाजी करते रहोगे? नाटकबाजी बंद करें और सीधा लाइन पर आ जाइए। जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना एक अच्छी बात नहीं है। अरे बाबा, जान निकाल लेगा, परमेश्वर है परमेश्वर, और बहुत भयानक परमेश्वर। जो आप पाप कर रहे हो, परमेश्वर गिन गिन कर लिस्ट बना रहा है। जब परमेश्वर आपका न्याय करेगा तब वही लिस्ट खोल के परमेश्वर आपको दिखाएगा, तो वहाँ पर कोई क्षमा नहीं, कोई क्षमा नहीं। बहुत सारे लोग स्वर्ग सिंहासन के सामने रोते होंगे, चिल्लाते होंगे, गिड़गिड़ाते होंगे, मसरे पास्टर विश्वासी रोते होंगे, चिल्लाते होंगे, कहते होंगे प्रभु मुझ पर दया कर दे, प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे। वहाँ पर उन्हें माफी नहीं दी जाएगी, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनका न्याय करेगा परमेश्वर, और न्याय करके वही शरीर पहनाएगा जिस शरीर में आपने व्यभिचार किया होगा या गलत काम किया होगा, वही शरीर पहना के तब आपका न्याय करेगा परमेश्वर। आप सोचते होंगे कि मैं पाप भी करूंगा, मैं पाप भी करूंगा, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीऊंगा, व्यभिचार भी करूंगा और मैं स्वर्ग भी चला जाऊंगा, तो आप बहुत बड़ी भूल है आपकी।
जिस समय इस पृथ्वी पर से शांति उठा लेगा परमेश्वर, कलीसिया उठा लेगा जिस समय, उस समय हाहाकार मच जाएगा इस धरती के ऊपर। उस समय संसार में त्राही त्राही अफरा तफरी उस समय मच जाएगी, उस समय मच जाएगी। किसी का बहन गायब हो जाएगा, किसी का भाई उस समय गायब हो जाएगा, किसी की माँ बेटी अचानक उस समय सब गायब हो जाएंगे अचानक जिस समय रेप्चर हो गया। उस समय हाहाकार मच जाएगा, किसी के घर में दो तीन चार लोग सब अचानक गायब हो जाएंगे, अचानक होगा, अचानक रेप्चर में वो लोग उठा लिए जाएंगे, अचानक उठा लिए जाएंगे। तब एक मनुष्य उठेगा, शैतान की तरफ से उसको बैठाया जाएगा, जो मसीह विरोधी होगा, जो पशु होगा, जो झूठा भविष्यवक्ता होगा, उस शैतान की ओर से उठेगा और वो भरमाएगा और शांति 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 करके बैठाएगा। 3 साल तक शांति शांति करके बिठाएगा और 3.5 साल के बाद अपना असली रूप दिखाएगा। उस समय क्या होगा? उस समय मसीह विरोधी गर्दन कटवाएगा, किसी का हाथ कटा जाएगा, किसी की गर्दन काटी जाएगी, किसी का पैर काटा जाएगा, किसी की आंख निकाली जाएगी, किसी की नाक काटी जाएगी, उस समय कान काटा जाएगा। इतना हाहाकार, उस समय स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी, स्त्रियों का बलात्कार किया जाएगा मसीह विरोधी के दिन में। ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। कब तक पाप करते रहोगे भाई? अभी समय है, जरा सोच के देखो, अभी आप जिंदा हो। अगर अपने जीते जी यदि आप पाप करते करते पाप करते जा रहे हो, पाप करते करते जा रहे हो, करते करते जा रहे हो, यदि आप किसी दिन अचानक मर गए तो आपको कहाँ जाना पड़ जाएगा, आपको कहाँ जाना पड़ेगा? ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से ही पता है कि आप कहाँ जाओगे, आपका प्राण कहाँ जाएगा। बाइबल बताती है ऊन में के पड़े कीड़े कभी नहीं मरते हैं, ऊन का धुआं कभी बंद नहीं होता है, ऊन का जो धुआं है युगान युग उठता रहता है। बाइबल बताती है जहाँ लोहा पानी पानी बन जाता है वहाँ पर उन विरोधियों को डाला जाएगा जो बिना उद्धार के मर जाएंगे, जो बिना उद्धार ही के मर जाएंगे, जो बिना उद्धार बिना सुसमाचार ही के मर गए और नर्क में चले गए, तो वहाँ पर आपको एक बूंद पानी भी नहीं पिलाया जाएगा। इसलिए अपने जवानी के दिन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लो। क्यों पाप कर रहे हो? क्यों अपनी जवानी व्यर्थ कर रहे हो मेरे प्रियजनों? लड़कियों सुनो सुनो, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। अगर आप छोटे कपड़े पहनती हो शादी से पहले, अपने होठों पर लिपस्टिक लगाती हो, मार्केट जाते हुए, शादी जाते हुए, पार्टी जाते हुए, तो बंद कर दो, छोड़ दो। याद रखना, आप ये सब हरकतें करते हो, चर्च जाते हो, चर्च में लिपस्टिक लगाते हो और छोटे छोटे कपड़े पहनते हो, तो याद रखना परमेश्वर देखता है जो आप करते हो। परमेश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ देख रहा। किस लड़के से बात करो, क्या करो, परमेश्वर तुम्हारा न्याय करने के लिए स्वर्ग में बैठा है, वो तुम्हारा न्याय करेगा। न्यायी परमेश्वर, दयालु भी परमेश्वर, दयावंत भी है और न्याय भी परमेश्वर। याद रखना, बहुत तड़पाएगा परमेश्वर। और बाद में वही लड़की क्या करती है, सुबह होती है, शाम होती है, हाथ उठाकर मरियम की तरह प्रार्थना करती है। ऐसा लगता है कि उसको कुछ भी ना मालूम है, उसे कुछ भी नहीं पता है, इतनी शुद्ध और पवित्र हो जाती है उस समय। तो परमेश्वर ऐसी लड़कियों को जिंदा जलाएगा उस नरक की आग में, जिंदा जलाएगा, जिंदा। मैं खुलकर बोलता हूँ, मैं परमेश्वर से डरता हूँ, किसी मनुष्य से नहीं डरता हूँ। इस वीडियो को देखना और शेयर करना और समझने की कोशिश करना। अब सुधर जाओ और बचा लो अपने आप को ना सोने से। कब तक एक दूसरे को देख देख कर अपना जीवन बिताते रहोगे कि वो अच्छे कपड़े पहनना है, उसके पास घर है, गाड़ी है, बाइक है, अच्छा अच्छा सब कुछ है, क्यों आप उसके जैसा बनना चाहते हो? तो याद रखना, परमेश्वर ने उसको नहीं चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना, आपके लिए लहू बहाया है। तो आप कूड़ हो मत दूसरों को देख देख कर, इसलिए बचाओ, समय का में सुधर जाओ, पश्चाताप कर लो, वरना आप नरक में जाओगे जाओगे। बचा लो, सुधर जाओ, पवित्रता के साथ जीवन जियो, परमेश्वर के वचनों पर चलो। आशा करता हूँ छोटा सा मैसेज आपको समझ में आएगा। प्रभु आपको आशीष दे। मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में। सबको जय मसीह की, आमीन, गुड लक।